गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू फ्रेशर क्लासेस। टुडे वी डिस्कस आवर फर्दर टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है। तो फूड चेन में हम लोग पढ़े थे कि हमारा एनर्जी जो फ्लो होता है कैसे फ्लो होता है, हमारा प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर में कैसे फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ा था फूड वेब, फूड वेव में हमारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, फ्लो कैसे होता है, ठीक है। तो उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे एनईटी में पूछ लिए जाते हैं, एनआईटी में पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, तो ध्यान से समझिएगा, डिटेल में समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो एक सिंपल सा इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिजाइन टू शो बायोमास और बायो प्रोडक्टिविटी एट द ईच ट्रॉपिक लेवल इन गिवेन इकोसिस्टम। देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, सिंपली ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, या इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी हमारा जो हमारा प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, ये ट्रॉफिक लेवल अगर हम लोग समझ गए फ्रेंड तो सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहला अगर मान लीजिए कि हमारा एक प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर को सबसे पहले कंज्यूम कौन करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो हमारा जो फ्लो चार्ट होता है, पहले प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा एनर्जी फ्लो होता है। तो उसको हम क्या ग्राफिकल लेवल में, हम क्या कहते हैं चार्ट के रूप में। जैसे इसमें मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट लेवल क्या है, जो हमारा सबसे हाई एनर्जी वाला लेवल होता है वो नीचे रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर। सेकेंड लेवल पे जो होता है हमारा क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड लेवल। उसके बाद अगर ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ऊपर जाते हैं तो टर्शरी कंज्यूमर, फिर क्वार्टनरी कंज्यूमर। तो इसे क्या होता है, एक लेवल का हमारा क्या ग्राफ बनता है, अगर इसको हम लोग मैच करते हैं फ्रेंड्स, तो इस टाइप का हमारा क्या बनता है, एक ग्राफ बनता है, ठीक है। आगे हम लोग और क्लियर देखेंगे। यहाँ तक ये क्या हमारा एनर्जी का लेवल बताता है कि हमारा एनर्जी लेवल कहाँ से फ्लो हो रहा है, क्योंकि एनर्जी क्या है, हमारा 100% यूज नहीं कर सकते, कुछ लॉसेस भी होती है उसमें, ठीक। तो ये हमारा किस में, एक रिफ्रिजरेशन बताती है कि उसका प्रोडक्टिविटी कितना है, बायोमास कितना है, एनर्जी का एक लेवल बताती है, ठीक है। इज ऑल्सो नाउन एल्टन्स पिरामिड, दिस कंसेप्ट वॉज प्रपोज बाय द चार्ल्स एल्टन इन 1927। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट किसने दिया था फ्रेंड्स, इन्होंने दिया था चार्ल्स एल्टन्स। कब दिया था इन्होंने, 1927 में दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इनके द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो पिरामिड है, जो एनर्जी है, उसका फ्लो कैसे होता है, उसके कंसेप्ट के बारे में बताया गया था, ठीक है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। मान लीजिए कि एक हम लोग डायग्राम, एक हम लोग समझते हैं, इससे क्लियर होगा। मान लीजिए किसी लेवल पे हमारा क्या है, एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से हमारा मान लो 1000 kg का कैलोरी है, ठीक है। बहुत सारे हमारे प्रोड्यूसर से उसमें एनर्जी कितनी है, 1000 है, ठीक है, 1000 kg है। जब ये इसको जब कौन कंज्यूम करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, हर्बीवोरस, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, हर्बीवोरस, जो प्लांट्स को ईट करेंगे, ठीक है। तो ये 100% तो एनर्जी इसमें नहीं जाएगी, कुछ लॉसेस होगा, क्योंकि हमारा 100% किसी में भी एनर्जी कंजम्पशन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉसेस होती है, ठीक है। तो ये हमारा जब लॉस इस एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पर कितना पहुँचेगा, ओनली 100 kg, यानी कि एक तरह से देख ये देखा गया है फ्रेंड्स कि यहाँ पे 90% लॉसेस होती है, ठीक है फ्रेंड्स। जब हमारा कंजप्शन होता है लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए, तो फर्स्ट लेवल हमारा जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, ठीक है, उसमें 90% लॉसेस होता है और 10% ही हमारा कंज्यूम हो पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा कितना कंज्यूम हो पाएगा, ओनली 10%, ठीक, 10% यानी कि 100 kg। तो हमारा हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर कितना कंज्यूम किया, 100 kg। अब फिर अगर नेक्स्ट जाएंगे तो हमारा कितना कंज्यूम होगा, ओनली 10 kg, क्योंकि यहाँ भी 90% लॉस हो गया है, ठीक है फ्रेंड। तो यह कैलोरी का हमारा क्या एनर्जी का सिस्टम बता रहा है कि फर्स्ट में हमारा क्या है, 1000 kg था, उसमें कंज्यूम हुआ 100 kg। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर कितना कंज्यूम करेगा, ओनली 10 kg, ठीक है,
ये कौन होगा, प्राइमरी कार्निवोरस। ठीक है, अब थर्ड में अगर हम लोग जाएंगे, टर्शरी सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, थर्ड टर्शरी कंज्यूमर में अगर हम जाएंगे तो ओनली कितना करें 1 kg एनर्जी गेन कर पाएगा। क्योंकि एक हमारा लेवल बताता है कि हमारा जो एनर्जी का लेवल है, जो एनर्जी फ्लो हो रहा है वो भी हो रहा है एक इन्वर्टेड फॉर्म में हमारा हो रहा है। ठीक है, एक पिरामिड के फॉर्म में हम लोग इसे देख सकते हैं ये जी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपराइट बायोमास। ठीक, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। जस्ट उसी का अपोजिट हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इन्वर्टेड। इन्वर्टेड में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो जस्ट अपोजिट होता है किससे, अपराइट का। ठीक, इसमें मान लीजिए हमारा जो प्रोड्यूसर्स है, जो हमारा अगर ये हम देख सकते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोड्यूसर्स होता है वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा एल्गी है, बैक्टीरिया, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे जो हमारे मछली होते हैं उसको कौन कंज्यूम करता है, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन कंज्यूम करता है, बड़े मछली। ठीक है, वेल्स हो गए और बड़े बड़े मछली, वो हमारा क्या होगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो ये हमारा क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है अपराइट पिरामिड के। ठीक है, तो इसमें हमारा एनर्जी का फ्लो क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इन्होंने 4 ग्राम का एनर्जी कंज्यूम किया, ठीक, तो ये इसके पास कितना एनर्जी बन जाएगा, 8 ग्राम। तो उसके बाद ये कंज्यूम करेगा कितना होगा, 12 ग्राम। ठीक है, तो ये का एनर्जी का फ्लो का इंक्रीमेंट होगा, जस्ट अपोजिट टू द अपराइट पिरामिड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको समझते हैं हम लोग एनिमेशन के हेल्प से। We saw how different organisms in an ecosystem are dependent on one another for their food. If we try to represent this feeding relation in a graphical way, we get a pyramidal structure. This is called the ecological pyramid. Why only pyramid, you might be wondering. Let's understand this. The base of the pyramid is the broadest, with the producers or autotrophs occupying the first position. The remaining organisms or different consumers are arranged above the base. Each bar that makes up the pyramid represents trophic levels or the order in which the organisms eat or are eaten. It also represents the flow of energy. Ecological pyramids are of different types. Based on the flow of energy, the ecological pyramid is always upright. The energy flow from one organism to another in a linear way, and only 10% of the energy actually moves from one trophic level to another. The remaining gets lost in the surrounding. The next type of pyramid is the pyramid of numbers. What actually is number here? It is the number of organisms in each trophic level. In this pyramid, the most abundant organism occupies the base and the least abundant ones occupies the apex of the pyramid. Just consider the lake ecosystem. The producers or diatoms occupy the base of the pyramid as they are most abundant in number. The second trophic level is zooplanktons, which is comparatively less in number, or other primary consumers. The third level is occupied by small fishes or the secondary consumers. And finally, the apex of the pyramid is occupied by larger fishes, which are lesser in number. But this is not always the case. The pyramid of numbers is not always upright. Just consider a tree ecosystem. A single oak tree can host a large number of caterpillars. The caterpillars provide food for several blue tits that in turn are eaten by sparrowhawk. Now check the structure of the pyramid. This is a partially inverted pyramid, or more like a spindle, isn't it? Now, here is a completely inverted pyramid of numbers, the parasitic ecosystem. A single large host can be home to different parasites, which in turn acts as food for much abundant trophic levels of hyperparasites. The third type of pyramid is the pyramid of biomass.
What is biomass, you might ask? Mass is the weight of something. So biomass is the total weight of living matter per unit area of an ecosystem. Let's understand this further. The total biomass of grass eaten by a herbivore is more as compared to the amount of flesh eaten by the secondary consumer or carnivore when it eats that herbivore. This indicates that the pyramid of biomass can be upright. It gradually reduces with each trophic level. Now consider a marine ecosystem. The large-sized fishes depends on tiny-sized zooplanktons, which in turn depends on much tinier phytoplanktons, thus showing an inverted pyramid of biomass. So to summarize, we saw the three different types of pyramids, which graphically represents the different trophic levels and also shows the efficiency of an ecosystem and the functioning. आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर. तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए. तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.